अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक होगा तुम सबका टू दी न्यू ब्लॉग के अंदर। ठीक है यार, आज का सीन ये है कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। जैसे कि तुम लोगों को पता है ना, ब्लॉग देखे तो तुम लोगों को पता लग ही जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। ठीक है, तो हमारी तो बिल्कुल उम्मीद है कि ना पाकिस्तान ने जैसे नेपाल को ठोका लगाया था ना, वैसे जो है ना वो इंडिया को भी ठोका लगेगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। बहरहाल अब देखो, दुआ यही है कि जिस तरह पेट्रोल की टेम्पर सेंचुरी हुई है ना, आज पाकिस्तान भी वैसे ही जो है ना उतना स्कोर तो कम से कम बनाए अगर पहले बैटिंग करता तो, वरना अगर बॉलिंग करता तो फिर तो इंडिया की ठोस होगी। ठीक है ना, खास करके वो शर्मा की शहीन के खिलाफ। ठीक है, तो यार आज का सीन ये है कि आज भाई ने जो है ना वो सोचा कि ये जो बड़ा मैच जो है ना ये कहीं पे जाके देखा जाए। ठीक है, और साथ तुम लोगों को दिखाया जाए और साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो शुक्र मेला लगाया जाए। तो ना पहले का सीन ये है कि मैं जो है ना वो थोड़ा खत खुद करा लूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना मैच भी शुरू होने वाला। ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों को जगह बताऊंगा, फिर वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके इकट्ठे जो है ना वो मैच देखते हैं। बड़ा मजा आएगा आज के मैच का। बस दुआ करो कि बारिश बुरिश ना हो। ठीक है, चलो फिर पहले हाथ कराते हैं, कपड़े बदलते हैं, लोग एक साथ जो है ना वो दोस्तों को पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। ओके, तो यार भाई जो है ना तुम्हारा खात खुद कराया, तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत स्मैक्सी लग रहा होगा ना। नहीं तो यार आज का सीन अभी का ये है कि इंडिया जो है ना वो टॉस जीता। ठीक है, इंडिया का जो एंकर है ना संजय मंजेकर, वो कह रहा था कि ना जो टीम पहले जो है ना वो बॉलिंग करेगी ना वो उसके ज्यादा एडवांटेज है। पर खैर इंडिया ने उसकी भी नहीं सुनी, बैटिंग कर रहा है इंडिया। तो मैंने सोचा कि ना एक इनिंग देख के चलते हैं, 8 घंटे तक वो कैफे में जाके कौन बैठेगा। ठीक है ना, तो रोटी छोटी भी वहाँ पे खाएंगे, सारा कुछ करेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग जाके देखेंगे तो ज्यादा शुगल में ना लगेगा। ठीक है, तो अभी वैसे मैं तुम लोगों को जो है ना वो इंडिया का स्कोर दिखा देता हूं। ओवर हुआ भाई जो है ना तुम्हारा रेडी हो गया, एक इनिंग जो है ना वो पूरी हो गई इंडिया की। तो इंडिया ने जो है ना वो स्कोर दिया हमें टारगेट 267 पर। अब जो है ना वो बारिश हो रही थी। ठीक है, अब हम जो है ना बेसिकली निकलने लगे क्योंकि एक इनिंग हो गया, बाकी इनिंग जो है ना वो जाके अपने स्पॉट पे देखेंगे, साथ तुम लोगों को दिखाएंगे और साथ जो है ना उस कैफे की एम्बियंस और वो सारा कुछ दिखाएंगे। मेरे साथ जो है ना वो मेरा भाई होगा और साथ 2-3 दोस्त होंगे। ठीक है, और एक कज़न होगा, तो जाके मैं तुम लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। ठीक है, और फिर अपने सफ़र का जो है ना वो आगाज़ करते हैं और फिर आगे जाके जो है ना तुम लोगों को मैच का सीन दिखाते हैं, कैफ़े का सीन दिखाते हैं, खाना खुना ऑर्डर करेंगे, फुल ऑन हैवी चिल मॉल बनाएंगे। ठीक है, बस तुम लोग ये करो कि पाकिस्तान जीते, एक खुशी जो है ना सारी खुशियाँ एक तरफ। पर जो कोहली को उसने बोल्ड किया ना शाहीन ने, वो उसने आग लगा दी वैसे करके। चलो खैर हम निकलते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट किए ताकि जो है ना वो इनिंग हम पूरी जाके वो देख सकें, बाबर की बैटिंग जो है ना स्पेशली वो पूरी देख सकें। यार हम लोग जो है ना निकलने लगे हैं। ठीक है, मैं और मेरे साथ जो है ना ये अहमद अली आ गया। ठीक है, साथ जो है ना उस्मान है और साथ जो है ना ये ताहा। ठीक है, अब एक और बंदा जो है ना उसको पकड़ना है। ठीक है, उसको उठाते हैं और फिर जो है ना अपनी जगह पर चलते हैं और फिर तुम लोगों को आगे का सीन बताते हैं। A few moments later, तो यार साथ ने जो है ना अब हमें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो खाने पीने का कोई सीन करते हैं क्योंकि मैच जो है ना वो ओवरनेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी और टोटल सीन जो है ना वो फारिग हो गया। तुम लोग क्या कहना चाहोगे मैच जोड़ के? हमारा तो यही फिलहाल पे काम है, बीसीसीआई को गालियाँ देना चाहता था, बहुत तंग आए उनसे क्योंकि वो मैच हार गए थे। अब हमारी हालत देखो, हम 1.5 घंटा हो, चलो हमारा तो फिर गुजारा हो गया। जो लोग पाकिस्तान इंडिया से गए हैं श्रीलंका, उनका क्या हाल है? तू क्या कहना चाहेगा? साथ जो अल्लाह को मंजूर था वही होना है। तो भाई मैं महीना हो गया मैच का इंतजार कर रहा हूं, पर नहीं हुआ। पर भी आपने लापरवाही का नतीजा है। मैच के लिए पहले मैं और अली सुबह गए हैं, हमने गेम कर फिर गेम लगाई है सुबह स्पेशली मैच के लिए। और हालत देख लो हमारी, नींद से क्या हो गई। फिर भी यार इन बेचारों के साथ सीन हो गया, इन्होंने इतना टाइम निकाला ना, वो कितनी देर से खजलवारी कर रहे हैं। तुम लोग चेक कर सकते हो, सड़क पे खड़े हैं। पहले हमने जो है ना जगह बुक कराई थी पर मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर जगह वहाँ जाने का क्या फायदा। अब आओ कोई शुगल मेला लगाते हैं, अपना खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं घर। मैच का टोटल ड्रॉप सीन हो गया। मैं जो है ना वो अपने स्पॉट पे आ गया हूँ। ठीक है, तो मैच की जलालत के बाद जो है ना मैं और ये और साहब ने जो है ना वो साथ करा। ठीक है, हम तीनों जो है ना सारे बाकी बंदे भी जो है ना, हम यहाँ पे हैं स्टेक और नाइफ पे बरकत मार के। ठीक है, इसका ना साथ ने हमें रिकमेंडेशन किया कि इसका जो स्टेक है ना वो बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि अब इसका स्टेक खाते हैं, कोई नई चीज़ हम लोगों को ट्राई करके दिखाते हैं बरकत मार्केट के अंदर। एक और साथ इसका देसी भी है, चाइनीज़ भी है, तो बड़ा कुछ है। तो अब इसका खा के टेस्ट टूस चेक करते हैं क्योंकि मैच के साथ हमारे साथ हाथ हो गया। ठीक है, तो जितनी गालियाँ जो है जैसे इसने कहा है कि बीसीसीआई को जितनी गालियाँ दी जाए वो कम है। तो अब चलें यार स्टेक और नाइफ पे और कुछ खाए भी है। तो यार ये तुम लोग चेक कर सकते हो, ये जो है ना इसका ओवरऑल सीन है। यहाँ पे जो है ना वो चिकन पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने मसाला रखा हुआ है, चिकन अलग से रखा हुआ है, साथ जो है ना ये स्टेक हमें लगता है सारा जो है ना वो सामान है। वहाँ पे तुम लोग चेक कर सकते हो, चिकन जो है ना वो फ्राई हो रहा है कुछ, और कुछ जो है ना वैसे पड़ा हुआ है। वहाँ पे वो शवारमा और वो स्टेक वगैरह ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना वो चाइनीज़ चावल पड़े हुए हैं, ठीक है, इन लोगों ने पहले से बनाया हुआ है। स्वाद जो है ना ये शासलिक है, और स्वाद मुझे लग रहा है ब्लैक पेपर और वो बाकी सारा कुछ है। तो ओवरऑल जो है ना वो सीन है बड़ा, तो अब आगे चेक करते हैं कि इसका क्या सीन है। तो यार अब हम जो है ना एक फ्लॉप सीन हुआ है, जहाँ पे हम गए थे ना पहले स्टेक एंड नाइफ के साथ की रिकमेंडेशन पे, ठीक है ना। वो जो बंदा था ना यार वो बड़ी अजीब तरीके से बोला, कहता है कि हमने बात नहीं करनी और हमने कैमरे में नहीं आना, ना वहाँ ऐसी था ना एमबीएस अच्छी थी, मतलब बकवास सीन था। तो फिर हमने वो फारिग कराया, हमने कहा खाना ही खाना, हम तो चलो किसी अच्छी जगह से खाते हैं। तो हम लोग जो है ना वो अब आ गए 10-11, तुम लोग चेक कर सकते हो माहौल शोल सही जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, और पीछे तुम लोग चेक कर सकते हो जो ब्लू तुम लोगों को दिख रहा है ना वो बाहर कर रहा है, और ओवरऑल जो है ना वो बड़ा लेवल किस्म का सीन है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर हमने किया, जैसे ऑर्डर आता है तो फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत जो है ना कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, वो भी तुम लोगों को साथ साथ जो है ना थोड़ा बहुत रिव्यू देते हैं और फिर आएगा सीन बताते हैं। तो यार ये तुम लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो है ना उन लोगों ने बड़ा हैवी जो है ना वो पेस्ट्री और वो जो ओवरऑल जो स्टफ तुम लोगों को पता ना वो मीठे के अंदर जो सारा सीन होता है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और साथ जो है ना इन लोगों ने एक बड़ा बार वाली फील दी हुई है, तुम लोग चेक कर सकते हो। ऊपर जो है ना वो बिल्कुल एक ब्लू लाइट और बड़ी एक हैवी किस्म का जो है ना वो सीन बन रहा है। ये देखो यहाँ पे जो है ना वो सारा किचन है साथ, और ओवरऑल जो है ना ये तुम लोग देख सकते हो, ये ओवरऑल माहौल है यहाँ का। अब चेक करते हैं कि खाने का क्या सीन है, ये तुम लोग चेक कर सकते हो। किचन के अंदर जो है ना वो बड़ा हैवी किस्म का जो है ना वो खाना वगैरह बन रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो है ना उन लोगों ने मुख्तलिफ जो है ना वो फ्लेवर्स डालने के लिए सोडा वगैरह और वो ड्रिंक्स वगैरह के लिए रखे हैं। अब जैसे ऑर्डर आता है फिर तुम लोगों को बाकी ओवरऑल। तो यार ये तुम लोग चेक कर सकते हो, हमारे जो है ना ऑर्डर आ गया, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास पिज़्ज़ा बर्गर आ गए हैं 2, ठीक है। अरे हमारे पास जो है ना ये लावा चीज़ बर्गर है, तुम लोग इसका सीन चेक करोगे कितना लेवल किस्म का। तो देखो मैंने तुम लोगों को रिव्यू में खैर बताया हुआ कि क्या सीन है इसका, तुम लोग जाके जो है ना वो देख सकते हो। ये चेक करो, चीज़ को लोन जो है ना वो मेल्ट करके इसके ऊपर डाली जाती है और बड़ा एक हैवी मॉल जो है ना वो बनाया जाता है। ये हमारा जो है ना वो सब जो है ना वो चीज़ी किस्म का स्टेक आ गया, ठीक है, साथ जो है फ्राइज वगैरह, और ओवरऑल बड़ा हैवी जो है ना वो सीन बन गया, ठीक है। चलो यार अब ये पहली दफ़ा जो है ना ये इसका जो है ट्राई कर रहा है पिज़्ज़ा बर्गर, तो पूरा इसको ऐसे ट्राई कर ओवरऑल। इसके ऊपर तुम लोगों को पता पिज़्ज़ा की लेयर और वो अंदर ओवरऑल बड़ी हैवी किस्म की जो है ना वो सॉस। अब चेक करते हैं कि इसको कैसा लगा ये ओवरऑल। हाँ बॉस कैसा लगा? 50-50 है। अच्छा लगा तुरे क्लिक किया? ठीक है, इतना खास नहीं है, अच्छा खाने काबिल जो है ना। हाँ जी यार अभी अली जो है ना वो लावा चीज़ बर्गर जो है ना वो ट्राई करके हमें बताता है कि इसको ओवरऑल क्या टेस्ट लगा। हाँ कैसा लगा आपको? अच्छा 10 में से कितने देगा? 10 में से इसकी रेटिंग है 8.5। यार ताहा जो है ना अब ये ट्राई करके बताता है कि इसको ओवरऑल जो है ना वो कैसा लगा बर्गर। ये भी पहली दफ़ा जो है ना 10-11 का ये ट्राई कर रहा। हाँ बहुत मजेगा यार, मजेगा। क्या रेट करेगा 10 में से 10? मतलब खाना वर्थ इट हो गया, ठीक है। अब मैं जो ना इसका स्टेक जो है मैंने पहली दफ़ा खाना, मैं वो ट्राई करके बताता हूँ तुम लोगों को इसका क्या सीन है स्टेक का। ये तो मैंने इसका रिव्यू तुम लोगों को वैसे दिया हुआ। यार भाई जो है ना ये हमारे पास जो है ना चीज़ स्टेक आया, ठीक है, टोटल बड़ा हैवी किस्म का है। तो मैं इसको ट्राई करके चेक करता हूँ कि इसका ओवरऑल क्या सीन है, ठीक है। तो पहले जो है ना इसको थोड़ा वो कट कर लें, ठीक है। तो इसका अच्छा वैसे ओवरऑल जो है ना ये चीज़ के अंदर तुम लोगों को दिख रहा होगा कि बिल्कुल जो है ना वो घेरा हुआ है चीज़ के अंदर, ठीक है ना। बड़ी एक हैवी किस्म की तुम लोगों को लेयर चेक कर रही होगी और इसके अंदर से जो है ना वो चीज़ गिर रही है, ठीक है, नीचे। अब इसको ट्राई करके देखते हैं इसका क्या सीन है। तो बड़ी जो है ना ऑथेंटिक किस्म की इसकी जो है ना फील आ रही है। थोड़े स्पाइसेस हैं इसके अंदर, पर जो है ना वो चीज़ के साथ मतलब कि ना ओवरऑल सीन जो है ना बड़ा लेवल किस्म का बना रहे हैं। तो मेरे लिहाज से वर्थ इट है। पर जो इसके अंदर ये जो है ना इन लोगों ने थोड़े बहुत मशरूम्स वगैरह या फिर सॉसेस वगैरह थोड़ी बहुत डाली हुई है, ठीक है ना। तो वो जो है ना इतना खास मज़ा नहीं करवा रही मेरे लिहाज से। अगर सिर्फ चीज़ होती और स्टफ चिकन होता तो और अच्छा टेस्ट आता। मैं इसको जो है ना वो रेट करूँगा 10/8, ठीक है ना, कोई क्योंकि ठीक है। ये तुम लोगों ने पहले से देखा हुआ है लावा चीज़ बर्गर जो हमारे पास है, इसका रिव्यू मैंने पहले किया हुआ, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा तो वो जाके देखो। A few moments later. तो यार हम जो है ना यहाँ पे चाय पीने आए हैं, तुम लोग चेक कर सकते हो लेवल किस्म की जो है ना वो चाय बन रही है। साथ जो है ना इसने दूध रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे कोई कप बन रहे हैं, और नीचे देखो उसने किस तरह की कपों की जो है ना वो अरेंजमेंट की हुई है। इसका नाम जो है ना वो MPA चाय वाला है, ठीक है। बड़ा ओवरऑल जो है ना वो हैवी सीन और बड़ी हैवी गेम बन रही है। तुम लोग यहाँ पे जो है ना और राशि देख सकते हो, सारे लोग जो है ना वो चाय पीने आए हुए हैं, ठीक है। तो तुम लोग इसकी मतलब के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फेमस और क्या इसका सीन। तो यार अभी हम जो है ना वो एमडी चाय वाले के पास बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को पता है कि ना छोटे से बड़े बिजनेस की जो है ना वो दास्तान लोग यहाँ पे आगे सुना रहे होते हैं एक दूसरे को, और बड़ी जो है ना वो एक अजीब सा फनी सा जो है ना वो माहौल बना होता है, बड़ा लेवल सीन बना होता है, ठीक है। तो अब आते हैं चाय से पीते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को बताते हैं कि चाय का जो है ना वो क्या सीन था जो जिसकी वजह से जो है ना वो इतनी भीड़ यहाँ पे जमा होगी। तो ओवरऑल जो है ना वो माहौल चेक करते हैं। तुम लोगों को मैंने रश जो है ना वो सारा दिखा दिया कि कितना जो है ना हैवी किस्म का जो है ना वो रश बना हुआ था। तो यहाँ पे ढाबे से लेके छोटी जो है ना वो मोटरसाइकिल के बिजनेस से पता नहीं कौन कौन से मल्टीनेशनल कंपनियाँ बना के दुखी आदमियों बना के जो है ना वो लोग फिर उठते हैं और फिर सुबह यहाँ पे शाम को दोबारा चाय जो पीने आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम भी जो है ना इसकी चाय का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कौन से बिजनेस की प्लानिंग कर पाते हैं। अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसी देर में ना साथ में जो है ना वो एक लोकल परफ्यूम लिया, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी इसने मास्टर कॉपी उठाई है 1100 रुपए की। तो तुम लोगों को देखने में लग नहीं रहा होगा है ना, पर इसने होलसेल रेट में लिया। इसने उसको भी चूना लगाया, वो 1500 कह रहा था पर इसने 1100 रुपए का जो है ना वो उठाया। यार तुम लोग चेक कर सकते हो हमारी जो है ना वो चाय आ गई है, ठीक है। साथ जो चीनी है साथ शक्कर आप ये मुकाते हैं, ठीक है। चाय से पी के निकलते हैं, पर तुम लोगों को आगे इसका सीन जो है ना वो मिलता है। हर मैच का ओवरऑल जो है ना वो ड्रॉप सीन हो गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल ठीक है, हमने खाना खुना खा लिया, मज़ा आया। तो तुम लोग क्या क्या सीन? बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? लावा बर्गर खाया हमने। तो खाना अच्छा लगा, मतलब खाना अच्छा। मैच का कोई खास मजा नहीं। मैच तो तुम्हें पता वो डिले हो गया सारा। हां तो तेरे शहीन अफरीदी जैसे अपनी पूरी बैक फॉर्म में आ गया। उसने विराट कोहली रोहित शर्मा को आउट किया स्टार्टिंग ओवर में, और अब 10 तारीख को ये है कि अब दोबारा मैच ओवर हो तो फिर हम देखेंगे पहले इनिंग्स में कि हम हमारी टीम किस लेवल पे आती है। अगर वो अच्छे कॉन्फिडेंस में हुई तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा ये सीन प्लान करेंगे। और अभी खाने का यही जहन है कि अभी हमने एंड पे चाय पी ली, अब गर्मी फुल पाट के आ रही है you know, तो आप बस घर में निकल जाना, तो बस आप पसीने से आप समझ सकते हैं। और सलाद आज फुल हो गई है, बस थकावट बहुत हुई है। ता तू क्या कहना चाहेगा? मुझे भी भाई बहुत मजा आया, सीन ओवरऑल सही रहा। हां जी सही रहा, ये मान रहा, ठीक है। यार मैं यहीं पे जाना, अब लोग एंड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ओवरऑल तुम लोगों को देख के मजा आया, बाबा जितना दिखा सका मैच मैंने दिखाया, ठीक है। तो जहाँ पे हमने जाके करना था सीन वो नहीं हो पाया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तुम लोगों से किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।